नमस्कार। अभी तक हमने एक यादृच्छिक चर दो यादृच्छिक चर एवं उनके फलनों को समझा है। हमने यह भी कहा था कि जिस प्रकार हम प्रतिदेश समष्टि से वास्तविक रेखा पर एक वास्तविक रेखा पर फलन को एक यादृच्छिक चर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, एवं उसी प्रतिदर्श समष्टि से यदि हम द्वियायामी तल पर कुछ प्रक्षेपित करें तब वह एक दो यादृच्छिक चर हो सकते हैं अथवा दो यादृच्छिक चरों का एक द्वय हो सकता है। उसी प्रकार यदि हम प्रतिदर्श समष्टि से एन आयामी समष्टि में आर एन असल में वास्तविक संख्याओं का एन आयामी यह वास्तविक संख्याओं का एक एन आयामी समष्टि है। अब यदि हम वास्तविक संख्याओं के इस एन आयामी समष्टि को देखें तब इसके अवयव यह एक समुच्चय है एन आयामी सादिश वेक्टर्स एवं किसी एन आयामी सादिश एक्स के लिए हम उसे एक्स आर एन एन आयामी समष्टि का एन आयामी वास्तविक समष्टि का एक अवयव है उसे इस प्रकार लिखते हैं। हम सभी सादिशों के नीचे एक रेखा अथवा अंडरलाइन लगाएंगे जिससे कि उन्हें पहचानना सरल हो। हम इस सादिश को एन वास्तविक संख्याओं के एक्स दो एक हम इसे एन वास्तविक संख्याओं के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। यह एन इस समष्टि को इस सादिश को बनाते हैं एक्स एक एक्स दो एक्स एन इस सादिश एक्स के घटक हैं। यह इस सादिश एक्स के घटक हैं एवं इन्हीं के रूप में हम इस सादिश के गुणधर्मों को ज्ञात करते हैं। अब यदि x एक यादृच्छिक सादिश है यदि x एक यादृच्छिक सादिश है तब x को x एक x दो एक्स एन एन घटक यादृच्छिक चरों के रूप में दर्शाया x को n घटक यादृच्छिक चरों के रूप में दर्शाया जा सकता है एवं x एक ऐसा सादिश है है जिसका प्रत्येक घटक एक यादृच्छिक चर है। ऐसा सादिश है यह एक यादृच्छिक सादिश की परिभाषा है। अब
इस यादृच्छिक सादृश्य के एन आयामी समष्टि के एक क्षेत्र डी में होने की प्रायिकता कुछ इस प्रकार प्रायिकता x t में है बराबर है समाकलन d fxx dx। यह एक n आयामी समाकलन है जिसे हमने सरलता के लिए एक समाकलन के रूप में लिखा है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह एक n आयामी समाकलन है। यहाँ fxx इस यादृच्छिक सादृश्य का प्रायिकता घनत्व फलन है जो कि n आयामी समष्टि में इसका एन आयामी समष्टि में इसका प्रायिकता घनत्व दर्शाता है। यह देखना सरल है। हम एक आयामी वास्तविक रेखा से द्वि आयामी सतह से होते हुए एन आयामी समष्टि में पहुंच चुके हैं। अब यहां से हमारी चर्चा एन आयामी समष्टि के सापेक्ष ही होगी। यहां को हम बटे डेल एक्स एक से एक्स दो एक्स एन इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जहां एफ एक्स एक्स अथवा एफ एक्स एक्स एक एक्स एन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। यह इन यादृच्छिक चरों का संयुक्त प्रायिकता बंटन फलन है। यह इन एन यादृच्छिक चरों का संयुक्त प्रायिकता बंटन फलन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अब हम एक आयामी वास्तविक संख्याओं की रेखा अथवा द्वि आयामी वास्तविक तल से आगे बढ़कर एन आयामी वास्तविक समष्टि में है। अब यदि एफ एक्स एक्स एक से एक्स एन में हम कुछ चरों द्वारा धारण किया गया मान अनंत पर निश्चित करते हैं, नहीं।
तब जैसा कि हमने दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में देखा था कि एक यादृच्छिक चर का मान अनंत पर निश्चित करने पर हमें बाकी यादृच्छिक चरों का बंटन फलन ज्ञात हो जाता है, उसी प्रकार तब हमें बाकी बचे यादृच्छिक चरों का बंटन फलन ज्ञात, तो हम बाकी बचे यादृच्छिक चरों का बंटन फलन ज्ञात हो जाएगा। उदाहरणतः यदि x बराबर है 1, x2, x3, x4, यदि हम x को इस रूप में देखें x बराबर है x1, x2, x3, x4, तब fxx लिख सकते हैं, fx1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4 एवं x1, x2, x3, x4, x1 अनंत, x3, x4 बराबर होगा x1, x3, x4, x1, x3, x4। इसी प्रकार यदि हम हमारे पास उपलब्ध संयुक्त घनत्व फलन को कुछ यादृच्छिक चरों के संदर्भ में समाकलित करते हैं, तब हमारे पास बचे हुए यादृच्छिक चरों का संयुक्त घनत्व फलन रहेगा, अथवा हमें बचे हुए यादृच्छिक चरों का संयुक्त घनत्व फलन प्राप्त हो जाएगा। ऊपर दिए गए उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए एफ एक्स एक एक्स तीन बराबर है अनंत से अनंत, अनंत से अनंत, एफ एक्स एक्स एक एक्स दो एक्स तीन एक्स चार डी एक्स दो डी एक्स चार। अब हमारे लिए यह देखना भी आवश्यक है कि यह अनेक यादृच्छिक चरों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, दो दो से अधिक, तीन चार पाँच अनेक यादृच्छिक चरों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तब मान लीजिए तीन के लिए भी एक्स एक एक्स दो एक्स तीन यह इस प्रकार लिखना कठिन है। इसीलिए जब हम एक यादृच्छिक सादिश की बात करेंगे जहाँ पर हम इसे सादिश को सरल रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं, तब हम नीचे x लगाएं अथवा नीचे यादृच्छिक सादिश को लिखेंगे, अन्यथा हम यह मानकर चलेंगे कि यह f और f हम जानते हैं कि किन यादृच्छिक चरों के सापेक्ष हैं, एवं हम यादृच्छिक चरों को इंगित करने वाले यह अक्षर यहाँ नहीं लगाएंगे, एवं हम मान लीजिए तीन यादृच्छिक चरों x1, x2, x3 की बात कर रहे हैं, तब हम उनका घनत्व फलन केवल इसी प्रकार ही लिखेंगे, पाँच छः, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यदि मैं n यादृच्छिक चरों की बात करता हूँ तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसे लिखना और कठिन होता जाएगा। अपनी मूल चर्चा पर लौटते हुए, यदि मेरे पास या हमारे पास यदि हमारे पास एक यादृच्छिक सादिश x है जिसका घनत्व फलन fx of x
ज्ञात है। एवं एन फलन वाई बराबर जी एक, वाई एक बराबर जी एक एक्स, वाई दो बराबर जी दो एक्स हैं, वाई एन बराबर जी एन एक्स हैं। एवं मैं सादिश वाई बराबर जी जी यह जी सादिश मान धारण कर सकने वाला एक जी सादिश मान धारण कर सकने वाला एक फलन है। अब हमें एफ वाई वाई ज्ञात करने में FYY ज्ञात करने में रुचि है। अब हम क्या करेंगे, हम केवल एक एक की जी की चर्चा करेंगे, केवल एक एक की जी की चर्चा करेंगे, अर्थात एक ऐसा जी जो x के केवल एक ही मान पर y का एक मान धारण करता है। जैसा कि हम देख चुके हैं इस संदर्भ में हम जानते हैं कि हम एफ वाई वाई को लिख इस रूप में एफ एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं, जहां जे एक्स वाई सादिश वाई के सापेक्ष एक्स का जैकोबियन सादिश वाई के सापेक्ष एक्स का जैकोबियन कहलाता है। एवं क्योंकि हम एक एक ही जी की बात कर रहे हैं, एवं यदि एक्स बराबर है जी इनवर्स वाई, तब जे एक्स वाई बराबर है डेल एक्स एक बाय डेल वाई एक एक्स एन बाय डेल एक्स दो एक्स एक बाय डेल वाई दो डेल एक्स एन बाय डेल वाई दो एवं डेल एक्स एन बाय डेल वाई एन जे एक्स वाई यह है। आगे हम इन यादृच्छिक चरों की स्वतंत्रता की बात करेंगे। धन्यवाद।